नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए NSUI ने विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में एकत्र छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन ने 17 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को ऑनलाइन करवाने की मांग की है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह निर्णय राज्य सरकार का है, अगर राज्य सरकार निर्णय बदलती है तो परीक्षाएं ऑनलाइन जरूर की जाएंगी। वहीं राज्य सरकार ने सभी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का अभी तक निर्देश नहीं दिया है, जिसके चलते विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। जैसा भी शासन का निर्णय होगा उसी के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं NSUI के पदाधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रबंधन का क्या कहना है। आप लोग थोड़ा और साइड हो जाएं। संकल्प देने वाला संकल्प देने वाला कौन है? हमें लोग हैं यार, हमारी स्थिति समझ में नहीं आ रही है। संकल्प देने वाला कौन है? कोई दिक्कत नहीं दादा, बैठो ना, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुम क्या लड़ रहे हो? तुम जरा की बात करो यार, बुद्धि मान की बात करो यार। बोले तो कर्मचारी है। अरे वो लगातार हफ्ते भर से छात्र और छात्र नेता NSUI के साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हर एक NSUI के साथी, हर एक छात्र अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यमंत्री के और मंत्री के आदेश को ताके बैठे हुआ है। हम नहीं चाहते कि छात्रों का संक्रमण हो, हम नहीं चाहते कि छात्रों की जान खतरा हो। हम चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द किया जाए, ओपन बुक तरीके से परीक्षाएं दी जाए, लेकिन ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। छात्रों को
जान में ढोसना चाहता है, उनकी जान खतरे में डालना चाहता है। हम लोग उसके विरोध में है। हम लोग चाहते हैं परीक्षाएं रद्द कर ओपन बुक तरीके से परीक्षाएं कराई जाए, लेकिन लगातार परीक्षाएं रद्द हुई, फिर टाइम टेबल जारी की, ये मनमानी तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री का कुछ जब पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर से पीड़ित है, मध्य प्रदेश और रीवा जिले में जिस तरह से कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है, यहाँ के बीसी साहब प्रभावित हुए, कम से कम 5 ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए। ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है वह पूर्णतः गलत है, छात्र विरोधी है। NSTUI लगातार ओपन बुक से परीक्षा कराने की मांग कर रहा था। आज उसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी भाजपा सरकार और अब देश प्राचीन विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार को जगाने के लिए आज NSTUI के छात्र यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहता हूँ, ये छात्र की आवाज दबने वाली नहीं है, ये NSTUI के छात्र आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक ओपन बुक से परीक्षा नहीं कराई जाती है। ये लड़ाई NSTUI के छात्रों की है, यहाँ के युवाओं की है, और जब तक इस पे न्याय नहीं होता है इन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, तत्काल इस पे ओपन बुक परीक्षा कराने। हाँ, ये छात्र NSTUI के छात्र यहाँ पर परीक्षा 17 तारीख से ऑफलाइन शुरू हो रही है। इसमें बच्चों की डिमांड है कि क्योंकि कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है, इसलिए परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम से कराई जाएं। लेकिन चूँकि ये नीतिगत निर्णय है, इसका निर्णय शासन स्तर पर होना है, क्योंकि अभी तक शासन का निर्देश है ऑफलाइन परीक्षा कराने का, इसलिए विश्वविद्यालय अपनी तैयारी कर रहा है। शासन का निर्णय 17 के पूर्व जैसा भी आएगा तो उसका पालन किया जाएगा, अथवा फिर ऑफलाइन परीक्षा करना ही होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।